Hi everyone, welcome back to the channel Focus on Learning. In this video, we learn some words. So first word is pedantic. Pedantic का मतलब होता है शुद्ध. Synonym is purity, academic. Antonym is informal, imprecise. इसका मतलब हो जाएगा अशुद्ध. प्योरिटी, एकेडमिक, इसको हम डॉगमेटिक भी बोल सकते हैं. इसका मतलब होता है शुद्ध, शुद्धता. एंटोनिम इज इनफॉर्मल, इम्प्रिसाइज, यानी के अशुद्ध. नेक्स्ट वर्ड इज, सेकेंड वर्ड इज मैले. मैले का मतलब होता है हाथापाई करना या फिर दंगा, लड़ाई झगड़ा करना. सिनोनिम हो जाएंगे इसके फ्रकेस, ब्रुहाहा. एंटोनिम इज हार्मनी, पीस. मैले का मतलब होता है हाथापाई करना, लड़ाई झगड़ा करना, दंगा करना. सिनोनिम हो जाएंगे फ्रकेस, ब्रुहाहा. एंटोनिम इज हार्मनी, पीस, यानी के शांति. नेक्स्ट वर्ड इज प्लूसिड. प्लूसिड का मतलब होता है पारदर्शक. सिनोनिम इज क्लियर, ब्राइट. इसको बोल सकते हैं एक्सप्लिसिट. एंटोनिम इज डल, इम्प्लिसिट. प्लूसिड होता है पारदर्शक. क्लियर, ब्राइट या एक्सप्लिसिट इसको हम बोलते हैं. एंटोनिम हो जाएंगे डल, इम्प्लिसिट, यानी कि जो स्पष्ट हमें दिखाई नहीं देता उसको बोलते हैं डल या फिर इम्प्लिसिट, अस्पष्ट होना. नेक्स्ट वर्ड इज ऑफरिंग. ऑफरिंग का मतलब होता है प्रस्ताव. सिनोनिम इज कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर इसको बोल सकते हैं पुट फॉरवर्ड. एंटोनिम इज विड्रॉल या फिर इसको बोलेंगे रिट्रीट. देखिए, ऑफरिंग का मतलब होता है प्रस्ताव रखना, कॉन्ट्रीब्यूशन या पुट फॉरवर्ड. एंटोनिम हो जाएंगे इसके विड्रॉल या फिर रिट्रीट, रोक देना या वापस कर देना. नेक्स्ट वर्ड इज नम्सकल. नम्सकल का मतलब होता है मूर्ख. सिनोनिम इज डिमविट, बैफन. एंटोनिम इज जीनियस, वाइज. इसको आप इडियट भी बोल सकते हैं. सॉरी, बैफन की स्पेलिंग डबल एफ डबल ओ एन. इडियट, इडियट भी इसको बोल सकते हैं. जीनियस और वाइज हो जाएगा बुद्धिमान. नम्सकल होता है मूर्ख. सिनोनिम हो जाएंगे डिमविट, बैफन या फिर इडियट. एंटोनिम इज जीनियस, वाइज, इंटेलिजेंट, यानी बुद्धिमान. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब सारी पढ़ाई करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.